नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है ट्रू जिला में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के अजीबोगरीब कानून के बारे में। दोस्तों हम सबका सामना कई बार अजीबोगरीब किस्से, कहानियां और नए तौर तरीकों से होता रहता है। अब जब यह दुनिया इतनी अजीब है तो यहां कई ऐसे कानून भी बनाए गए हैं जिनके बारे में सुनकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। दोस्तों अगर हम आपको कहें कि रात के 10 बजे के बाद आप टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते हैं तो यह आपको किसी मजाक से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन स्विट्जरलैंड का हैरान कर देने वाला यह कानून जिनके बारे में सुनकर आपका भौचक्का हो जाना तय है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप ट्रू जिला को सब्सक्राइब करें जिससे इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। आइए जानते हैं इस दुनिया के कुछ देशों के अजीबोगरीब कानून के बारे में। हमें अक्सर आसपास लोग चिंगम चबाते दिख जाते हैं जो कि उसे कहीं भी इधर उधर थूक देते हैं, लेकिन सिंगापुर में ऐसा करने की सजा मिलती है। यहाँ पर चिंगम चबाना और किसी को गिफ्ट करना गैर कानूनी है क्योंकि सिंगापुर साफ सफाई पसंद करने वाला देश है, और जब यहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ की सड़कों और दीवारों पर च्युइंगम पड़ा देखा तो यहाँ की सरकार ने च्युइंगम खाने और लाने पर रोक लगा दिया। लेकिन दोस्तों अगर आप इस देश में च्युइंगम चबाते दिख गए तो इसके लिए आपको $700 का जुर्माना हो सकता है, और यदि आपने भुगतान नहीं किया तो इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। सिर्फ डेंटल और निकोटीन को ही चबा सकते हैं। दोस्तों घर पे बल्ब बदलने जैसा छोटा काम हम खुद ही कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में घर या ऑफिस में बल्ब बदलने का काम हम खुद नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा करना गैर कानूनी है। इस काम को वहाँ वही शख्स कर सकता है जो कि क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन हो। अगर आप बल्ब खुद बदलते हो तो आपको $10 करीब ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है। स्विट्जरलैंड में रात 10 बजे के बाद टॉयलेट में फ्लश करना गैर कानूनी है। अगर आप किसी अपार्टमेंट या बिल्डिंग में रह रहे हैं तो यहाँ रात 10 बजे के बाद आप टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपका अपना ही घर क्यों ना हो। यहाँ की सरकार इसे ध्वनि प्रदूषण मानती है। दोस्तों सोचिए अगर आपको टॉयलेट फ्लश करने पर रोक लगा दी जाए तो आपका क्या हाल होगा, क्या करेंगे अगर ऐसा कोई कानून आपके देश में लग जाए, तो आप अपना जवाब हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। जापान सुमो रेसलिंग और अपने अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाना जाता है। इस देश में ज्यादा शरीर का वजन रखना यानी कि मोटा होना गैर कानूनी है। 2008 में बने कानून के अनुसार जापान में 40 से ज्यादा उम्र के पुरुषों की कमर 33.5 इंच और महिलाओं की 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए 40 से 75 वर्ष के बीच के सभी लोगों को स्थानीय प्रशासन अधिकारियों से अपना वार्षिक चेकअप करवाना पड़ता है। दोस्तों हमारे यहाँ तो बच्चे हों या बड़े, जब तक किसी के नाम का मजाक ना उड़ा दे तब तक तो किसी को चैन नहीं आता। लेकिन दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिनके कानून बहुत ही अजीब हैं। उनके अनुसार आप अपने बच्चों के नाम अपने मन का नहीं रख सकते। ऐसे ही डेनमार्क में अपने बच्चों के नाम के लिए कानून बनाए गए ताकि बच्चों को कोई बुरा या शर्मनाक नाम न दिया जा सके। डेनमार्क में आप अपने बच्चे का नाम वहाँ की सरकार के तय किए गए 7,000 नामों से ही रख सकते हैं। अगर किसी को कोई और नाम रखना हो तो यहाँ की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में वैसे भी इतने प्रतिबंध हैं कि वो ऐसे ही बहुत अजीब देश हैं। नॉर्थ कोरिया में नागरिकों को सिर्फ अपने शासक किम जोंग को ही प्यार करने की इजाजत है। नॉर्थ कोरिया में बाल बाल रखने की इजाजत नहीं है। दोस्तों यहाँ 80 से ज्यादा नागरिकों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उनके पास बाइबल पाई गई थी। रूस में गंदी कार चलाना गैर कानूनी है। दोस्तों आप घूमने के लिए रूस जाने की प्लानिंग में है तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। रूस में गंदी कार चलाना गैर कानूनी है और आपको गंदी कार चलाना बहुत भारी पड़ सकता है। यदि आप गंदी कार चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो इसके लिए आपको सजा हो सकती है। लेकिन दोस्तों यह अच्छी तरह से नहीं कह सकते हैं कि किस मात्रा में गंदगी को दंडनीय माना जाता है, लेकिन जुर्माना लगभग ₹500 तक हो सकता है। दोस्तों ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि फिलीपींस और वेटिकन में तलाक नहीं लिया जा सकता। ऐसा यहाँ कोई कानून नहीं बना। इन देशों में तलाक लेना गैर कानूनी है। केवल वहाँ के मुस्लिम नागरिक ही विशेष परिस्थितियों में तलाक ले सकते हैं। समूहा एक ऐसा देश है जो कि एक छोटा सा आइलैंड है। ये जितना ही खूबसूरत है यहाँ के कानून उतने ही अजीबोगरीब हैं। लेकिन इस कानून से यहाँ की सभी औरतें बहुत खुश हैं क्योंकि इस देश में किसी भी पति को अपनी पत्नी का बर्थडे भूलना गैर कानूनी माना जाता है और उसे जेल भी हो सकती है। हालांकि पर्यटकों को इस कानून से छूट दी गई है। ग्रीस एक बहुत सुंदर सा देश है और यहाँ ऐतिहासिक जगह में हाई हील्स पहनना मना है, और ऐसा इसलिए कि हाई हील्स की वजह से ऐतिहासिक जगह को कोई नुकसान ना हो। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में कोई भी पुरुष या महिला जींस नहीं पहन सकते क्योंकि राष्ट्रपति किम जोंग उनका मानना है कि ये अमेरिकी कल्चर है, और नॉर्थ कोरिया में जींस पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया, और ऐसा ना मानने वालों को सजा भी दिया जा सकता है।
फ्रांस में केचप प्रतिबंधित है आज के जमाने के सबसे अजीब प्रतिबंधों में से एक है। दोस्तों फ्रांस सरकार ने 2011 में ही एलिमेंट्री स्कूलों से टोमेटो केचप को बैन कर दिया। टोमेटो केचप का बैन होना इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि फ्रांस बच्चे केचप का ज्यादा यूज कर उसे वेस्ट कर रहे थे, जिससे फ्रांस पारंपरिक कुकिंग खराब हो रही थी। इसलिए फ्रांस गवर्नमेंट ने स्कूल के कैफेटेरिया से केचप को बैन कर दिया और अब कभी कभी ही बच्चे केचप का यूज फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जर्मनी में हैं तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। गाड़ी को खींचने के साथ साथ पैदल चलना यहाँ गैर कानूनी माना गया है। यहाँ ऐसा मानना है कि दूसरे चालकों का ध्यान भटकता है और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इसके लिए £65 करीब 6,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि नेपोलियन फ्रांस के एक प्रसिद्ध नेता थे, इसलिए वहां आज भी कोई अपने सुअर का नाम नेपोलियन नहीं रख सकता। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे इस अपराध के लिए दंडित किया जाता है। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, किस देश का कौन सा कानून आपको बहुत ही अजीब लगा, आप हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।